नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं दिग्विजय सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एस यूट्यूब परिवार क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जोश के साथ में, पूरे अटेंशन के साथ में इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के लिए तैयार होंगे। और यदि अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर यह बताने वाला हूं कि इस गिरते हुए मार्केट के अंदर भी आप कौन से लेवल पर एंट्री लेकर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, उसी के साथ में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बियर मार्केट, बुल मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। और उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर गोल्डन क्रॉस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। और साथ ही में मैं आपको इस वीडियो के अंदर एवर ग्रैंड क्राइसिस के बारे में भी कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप आने से पहले रात को लगभग 10:30 PM के आसपास आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों को इस बात का पहले ही पता चल गया था कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इसको लेकर बहुत पहले ही अपडेट दे देता हूं। और फ्रेंड्स, उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताऊंगा। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एवरग्रैंड क्राइसिस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, और वो भी क्यों, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बातें बताना चाहूंगा। देखिए, एवरग्रैंड रियल एस्टेट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है चाइना कंट्री के अंदर, जिसके ऊपर लगभग $300 बिलियन का उधार है, और अब उस उधार को चुकाने का वक्त आ गया है। तो इसी को लेकर मार्केट में अब लगातार बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आपको याद नहीं हो तो जब अप्रैल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अचानक से बहुत बड़ा डंप देखने को मिला था, और जब पहली बार बिटकॉइन की प्राइस सीधा $65,000 से लगभग $50,000 के आसपास नीचे देखने को मिली थी, तब उसी टाइम में लगातार कई नेगेटिव न्यूज आ रही थी मार्केट के अंदर। चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो फ्रेंड्स, उस वक्त जब ये इस प्रकार की बहुत सारी लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही थी, तब बिटकॉइन की प्राइस में लगातार डंप देखने को मिल रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, अभी भी मार्केट के अंदर लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही है, जिसके चलते बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वापस से आपको डंप देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन को सपोर्ट कहां पर मिलेगा और कहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा, इस बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपका सबसे ज्यादा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पे होना चाहिए, हालांकि फंडामेंटल न्यूज पर होना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे भी आपका ध्यान पूरा पूरा होना चाहिए। और मैं उसी को लेकर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार अपडेट देता हूं कि बिटकॉइन को कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, कहां पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो बने रहिएगा लास्ट एंड तक और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए, मैं पहले ये जो गोल्डन क्रॉस का फंडा है उसको पूरा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि लगातार कई वीडियोस के अंदर कई मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि सर, ये जो गोल्डन क्रॉस था वो तो हो गया, उसके बाद में प्राइस नीचे क्यों देखने को मिला है, इसके बाद में तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर देखने को मिलना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात को बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि गोल्डन क्रॉस हो गया है, अब आपको जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $1,00,000 या फिर अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो एक अच्छा यूट्यूबर होगा और जिसको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, वो आपको कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि गोल्डन क्रॉस हो गया है, अब गोल्डन क्रॉस होने के बाद में आपको बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जरूर देखने को मिलेगी, ऐसी बात कहेगा ही नहीं वो आपको। ये सारी बातें वो कहेंगे जिनको टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसे यूट्यूबर से जुड़े जहां पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बातें बताई जाती है। जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप जाइए और उसकी वीडियोस देखिए, वहां से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। देखिएगा, यहां पर जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कहीं हुआ था डेथ क्रॉस, डेथ क्रॉस होने के बाद में इस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको इस तरीके से डंप देखने को मिला। फिर हुआ क्या, बिटकॉइन की प्राइस ने यहां का सपोर्ट लेकर बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपको यहां पर देखने को मिली। अब देखिए, इस पॉइंट के आसपास हुआ है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस होने की स्थिति में क्या है, जो ये 50 डेज मूविंग एवरेज वो ऊपर आ जाता है और जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो नीचे की साइड में आ जाता है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं और वहां से मैं आपको इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर समझने की कोशिश करना। देखिए, यह है 2020,
2020 से पहले आपको एक तरीके से एक बुल रन देखने को मिला और आपको प्राइस यहां तक कहीं देखने को मिली। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस लगातार नीचे आने लगी। देखिए यहां पर एग्जैक्ट इस जगह देखिए, हालांकि मैंने यहां पर ये जो बात बता रहा हूं आपको, मैं इसको मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात और नहीं बताने वाला हूं जो आपको मैंने पहले नहीं बताई थी। देखिएगा यहां पर हुआ डेथ क्रॉस होने की स्थिति के अंदर क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली यहां तक। अब देखिए प्राइस बढ़ते बढ़ते वापस पहुंची और देखिए यहां पर एग्जैक्ट इसी जगह हुआ एक गोल्डन क्रॉस, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मैंने सर्किल बनाया इसके अंदर। अब देखिए जब गोल्डन क्रॉस हुआ तो उससे पहले ही बिटकॉइन की प्राइस आपको इस तरीके से ऊपर देखने को मिली, गोल्डन क्रॉस यहां पर हुआ और प्राइस आपको यहां तक देखने को मिली। अब दोस्तों यहां पर नोट करने की बात सबसे बड़ी यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा यहां पर प्राइस यहां तक पहुंची जबकि बिटकॉइन ने जो पहले अपना हाई बनाया था वो लगभग यहां पे बनाया। अब देखिए क्या बिटकॉइन की प्राइस यहां तक पहुंची, तो आप बोलोगे नहीं पहुंची। हुआ क्या, प्राइस यहां पर जाने के बाद में इस तरीके से आपको इतना नीचे देखने को मिली। अब जिसके चलते क्या हुआ, इस जगह आप देखिएगा, एग्जैक्ट इस जगह देखिएगा, इस जगह हुआ एक डेथ क्रॉस। अब यहां पर तो क्या हुआ था, गोल्डन क्रॉस। अब देखिए गोल्डन क्रॉस हुआ था, इसका मतलब जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो इस हाई से भी ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, आपको बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल से नीचे देखने को मिली जिसके चलते यहां पर हुआ एक डेथ क्रॉस। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो गोल्डन क्रॉस हुआ है, जरूरी नहीं है कि उस गोल्डन क्रॉस होने के बाद में अब बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जाए ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि बिटकॉइन की प्राइस आने वाले कुछ अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जरूर जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जब जब नीचे आई है तब तब बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अब जब बिटकॉइन की प्राइस $65,000 से ऊपर जाएगी तब बिटकॉइन की प्राइस एक नया अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी। अभी देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज चल रही है जिनके चलते बिटकॉइन की प्राइस आपको इस तरीके से नीचे देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जरूर देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ये जो बात बताई है उस बात को आप समझ पाए होंगे। देखिए यहां पर गोल्डन क्रॉस हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस बात को भी सोचिए कि यहां पर वापस से एक डेथ क्रॉस भी तो हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स जैसा आप यहां पर देख रहे हैं वैसा कई बार पहले भी हो चुका है, तो ऐसे में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप इन गलत यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़े और बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव को लेकर कि बिटकॉइन को कहां पर सपोर्ट मिल सकता है और कहां पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और वहां से मैं आपको सारी बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स अभी बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं $42,320 के आसपास चल रही है। देखिए जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इतना बड़ा डंप अचानक से देखने को मिला था तभी मैंने आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताई थी, यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है तब तब बिटकॉइन की प्राइस वापस से अपने को नीचे देखने को मिली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस अपने को यहाँ तक भी देखने को मिली है। देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है इस टाइम पर कि बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के अंदर देखने को मिली है। ये जो जोन आप देख रहे हैं जिसके अंदर जो ऊपर वाला लेवल आप देख रहे हैं वो है $40,000 के आसपास और जो नीचे वाला लेवल है वो है $38,000 के आसपास। देखिए ये जो जोन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा बिटकॉइन के लिए। अगर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को होल्ड नहीं कर पाता है बिटकॉइन और अगर इसे ब्रेक डाउन कर देता है और वहां पर अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है तो फ्रेंड्स वहां पर आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक बड़ा डंप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इस डंप के बाद में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है उसके बारे में बताने वाला हूं। बने रहिएगा लास्ट एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको एक रेड कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रही होगी और बिटकॉइन की प्राइस वापस से इसी सपोर्ट लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रही होगी। लेवल कौन सा है, $42,000 के आसपास। देखिए ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाता है बिटकॉइन तो फिर बिटकॉइन की प्राइस आपको वापस से इस जोन के अंदर देखने को मिल सकती है। इस जोन के अंदर जो ऊपर वाला लेवल है वो है $44,200 के आसपास और जो नीचे वाला लेवल है वो है $43,650 के आसपास। देखिए एक और मैं बात आपको बता दूं, ये जो आप जोन देख रहे हैं ये जोन अब बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। तो ऐसे में
में आपको बिटकॉइन की प्राइस यहां से वापस से नीचे देखने को मिल सकती है, अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां पर आपको देखने को मिलती है तो। वैसे इस बात की संभावना बहुत कम बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर इस जोन के अंदर एक बार देखने को मिली है तो बिटकॉइन की प्राइस वापस से आपको इस जोन के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पर ये जो आप जोन देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये जो जोन मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो जोन है, ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात बताने वाला हूं। देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, ठीक है, और वहां से आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। आप यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इस जगह देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची, इसी रेजिस्टेंस लेवल से बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली। देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से वापस से बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े हो तो मैंने आपको इसी लेवल के आसपास जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप देखने को मिल रहा था तब मैंने आपको बात बताई थी, ये जो जोन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन के रूप में काम करेगा बिटकॉइन की प्राइस के लिए। और अब यही जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा बिटकॉइन के लिए। तो अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां पर एक सपोर्ट बना लेती है तो बिटकॉइन की प्राइस अपने को वापस से उसी जगह देखने को मिल सकती है जिस जगह बिटकॉइन की प्राइस आज से 10 दिन 15 दिन पहले थी। देखिएगा अगर इस जोन को होल्ड नहीं कर पाता तो उसके बाद में क्या हो सकता है वो तो कहानी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले इस जोन के बारे में जानने की कोशिश करिए। अब देखिए जैसे इस जोन से बाहर निकली प्राइस तो यहां तक भी देखने को मिली, यहां पर भी रेजिस्टेंस था, प्राइस इस तरीके से नीचे आई। देखिए इसी जोन के अंदर आपको प्राइस इस तरीके से ऊपर इस तरीके से नीचे देखने को मिली। थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूं, वहां से कुछ और बातें क्लियर करना चाहूंगा। देखिएगा देखिए जब बिटकॉइन की प्राइस $65,000 से लगातार नीचे आ रही थी तब बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली। अब देखिएगा यहां पर इस जोन को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के अंदर आपको कितना देखने को मिली है। देखिए यहां पर बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिली, फिर इसी जोन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस आपको इस तरीके से देखिएगा पंप एंड डंप करते हुए देखने को मिली। देखिए इसी जोन के अंदर आपको बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है और जब फाइनली बिटकॉइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को $40,000 के इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा डंप भी देखने को मिला था और बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली थी। देखिए मैं भी आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलूंगा और वहां से और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। देखिएगा अब देखिए फ्रेंड्स 2021 के स्टार्टिंग में क्या हुआ, देखिए प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची। देखिए इसी रेजिस्टेंस लेवल से बिटकॉइन की प्राइस इस तरीके से नीचे देखने को मिली। देखिए प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची लेकिन इसी रेजिस्टेंस लेवल से, ये कौन सा लेवल है, $40,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब यही $40,000 का रेजिस्टेंस लेवल एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करेगा, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए प्राइस इस तरीके से वापस नीचे देखने को मिली, यहां तक आप देख सकते हैं। अब देखिए प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची, अब देखिए इसी लेवल से प्राइस आपको नीचे देखने को मिली, ये जो नीचे वाला लेवल है वो है $38,000 के आसपास। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है वो भी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था और ये जो नीचे वाला लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, कब, जब बिटकॉइन की प्राइस इन दोनों लेवल से नीचे थी और अब बिटकॉइन की प्राइस इन दोनों लेवल से क्या है, ऊपर है। तो इसलिए बिटकॉइन की प्राइस के लिए ये जो दोनों लेवल है और यहां इन दोनों लेवल से बनकर जो जोन बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा बिटकॉइन की प्राइस के लिए। अब देखिए यहां पर वापस से आप देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते प्राइस यहां तक पहुंची और इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर आपको प्राइस देखने को मिली और जब इस रेजिस्टेंस उनका ब्रेकआउट हुआ तब प्राइस आपको बहुत ऊपर भी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स अभी समझने की बात यही है कि अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको एक डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात, इस लेवल के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा बिटकॉइन की प्राइस को, तो अगर इस लेवल के आसपास देखने को मिलती है तो वहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और वहां से आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं अगर बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के आसपास स्टेबल हो जाती है तो, क्योंकि यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, यहां से प्राइस आपको वापस ऊपर देखने को मिलनी चाहिए। देखिए आप यहां पर भी देख सकते हैं प्राइस यहां तक आई और फिर उसके बाद में आप यहां पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी देख पा रहे होंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अब प्राइस यहां पे आती है तो यहां से सपोर्ट लेकर वापस से थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको प्राइस इस लेवल तक भी देखने को मिलेगी। लेवल कौन सा, $38,000 के आसपास। ये जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा बिटकॉइन के लिए। अब आप शॉर्ट टर्म के लिए कहां पर एंट्री लेकर एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसको लेकर बात कर लेता हूं। देखिए अगर इन दोनों ही सपोर्ट लेवल के आसपास बिटकॉइन अपना सपोर्ट नहीं बना पाता है तो फिर बिटकॉइन की प्राइस आपको इस
तरीके से यहां तक भी देखने को मिल सकती है। देखिए यहां तक बिटकॉइन की प्राइस आए इस बात की संभावना बहुत कम है। लेवल कौन सा? $34,000 के आसपास। और देखिए मैं बिटकॉइन की प्राइस को नीचे लेकर नहीं जाना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि सर आप तो बिटकॉइन की प्राइस को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। अरे भाई मेरे चाहने से और आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और अगर मेरे और आपके चाहने से होता कुछ तो अपन फिर बिटकॉइन की प्राइस को 2 लाख नहीं $10 लाख तक भी लेकर चले जाते। लेकिन ये सारी बातें पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। अभी तो अपने को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सारी बातें देखनी है और उसके हिसाब से अपने को चलना है। अब देखिए यहां पर प्राइस अपने को अगर देखने को मिलती है तो ये कह रहा हूं उस स्थिति के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बड़ा डंप आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जैसे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको एक बड़ा डंप देखने को मिलेगा तो जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनकी प्राइस के अंदर भी आपको एक डंप देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति के अंदर आप यहां पर बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एक छोटी सी एंट्री लेकर यहां से एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जब बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के आसपास आए और जब आप एंट्री ले रहे हो किसी भी अल्ट कॉइन के अंदर उस टाइम पर आप उस अल्ट कॉइन के अंदर स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस यदि यहां तक देखने को मिल सकती है तो प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो आप स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप यहां पर एंट्री लेकर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के अंदर देखने को मिलती है और मान लीजिए इस जोन को होल्ड नहीं कर पाते तो बिटकॉइन की प्राइस यहां तक देखने को मिलेगी। और यहां जब बिटकॉइन की प्राइस आएगी तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा तो पंप होगा ही होगा और बिटकॉइन की प्राइस यहां कहीं तक तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जब ऐसा होगा तो बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ अल्ट कॉइन की प्राइस के अंदर भी थोड़ा सा रिकवर होगा और उस थोड़े से रिकवर के अंदर भी आप एक अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए रेजिस्टेंस कौन से लेवल पर बैठे हैं उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहले तो मैंने आपको इस जोन के बारे में बता दिया है। ये जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा बिटकॉइन के लिए अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां तक पहुंचती है तो। अब देखिए उसके बाद में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन की प्राइस को मिलने वाला है वो यहां पर कहीं मिलेगा। लेवल कौन सा है? $45,880 के आसपास। इस लेवल से तो आपको बिटकॉइन की प्राइस वापस से नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो आप लेवल देख रहे हैं नीचे वाला ये बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था पहले और अब यही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बिटकॉइन के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे अभी मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी थोड़े दिन के लिए बचे, क्योंकि यहां पर बिटकॉइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको डंप अचानक से फिर अचानक से पंप देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर आऊंगा बिटकॉइन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।